नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, कहें तो पूरा भारत फैन है। मैं भी उनका डाई हार्ट फैन हूँ। उनसे पहली बार मिल रहा हूँ आज, और पहली बार मिल के इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं उनको बचपन से सालों सालों से जानता हूँ। मैं पर्सनली एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गाँव का नाम डंगरखेड़ा, तहसील फाजिलका, जिला फाजिलका है, और ये पंजाब का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर आज वो शख्सियत पहुँचे हुए हैं। उनका नाम है राजू पंजाबी। जी हाँ, राजू पंजाबी, जो कि आप जानते ही हैं कि किस किस तरह से एक छोटी सी फैमिली से उठ के आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, और पूरे भारत में टॉप सिंगर के रूप में उभर के आए हैं। उनसे आज हम मुलाकात करेंगे। उनके साथ आए हुए हैं उनके छोटे भाई बलवंत जी प्रजापत। राजू पंजाबी के जो शिष्य हैं वो भी उनके साथ आए हुए हैं। उनका नाम है कुलदीप सागर जी। तो हम इन तीनों से मुलाकात करेंगे, इन तीनों से इस सवाल पूछेंगे, कुछ उनसे उनकी निजी ज़िंदगी और कुछ आने वाले उनके प्रोजेक्ट के बारे में, और कुछ जो मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं वो। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राजू पंजाबी छोटे भाई हैं बलवंत प्रजापत जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सभी को, जय माता दी। तो बलवंत जी आप बताइए, राजू पंजाबी जी के अलावा आपकी फैमिली में कौन कौन है? वैसे हम चार भाई हैं, तीन सिस्टर हैं हमारी जी, और तीन सिस्टर हैं जो इनकी पंजाब में शादी हो चुकी है, और हम चार भाई हैं। मैं राजू से छोटा हूँ और मुझसे एक छोटा भी है। राजू जैसे बड़े हैं, ठीक है, नहीं मम्मी है और फैमिली में ठीक है। वैसे हम लोग इस मतलब संगीत से जुड़े हुए हैं सभी हम चारों भाई जी। जी हाँ बिल्कुल जी। तो चलिए अब सवाल करते हैं कुलदीप सागर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप बताइए, आपकी मुलाकात राजू पंजाबी जी से कब हुई? मेरी उनसे मुलाकात, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जी काफ़ी उम्र में भी बड़े हैं वो तो हमारे जी। वैसे गुरु जी के कैसे बोधन करते होंगे आप जी? गुरु जी से मेरी मुलाकात तकरीबन पाँच साल जी, जी हम किसी सॉन्ग की लॉन्चिंग में मिले थे जी, हाई लेवल सॉन्ग था उस समय। टाइम गुरुजी भी हरियाणा में इंटर ही कर रहे थे। कौन से? हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कौन से ईयर में? 2008 के 9 की बात जी। काफ़ी टाइम से आप इनके साथ हैं। हाँ हाँ जी। तो उस टाइम मैं इनसे मिला, तब इनकी हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर इंट्री ही थी जी। इनका पहला गाना आया हुआ था यार दोबारा नहीं मिलने, पेट सूंघ दिया जी 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 जी, पेट सूंघ दिए नहीं हंडे की। इसी गाने के बाद में इनका काफ़ी रुझान हरियाणा की तरफ। जब सॉन्ग नंबर 2 गोरी सॉन्ग लॉन्च था, उस लॉन्चिंग में मैं इनसे मिला सर। उसके बाद में मैं इनका दीवाना हो गया जी, क्योंकि मैं तो या तो एक हमारे हरियाणवी सिंगर है जी, निवासी बहुत सुरीला गाते हैं वो जी, वो शब्द वगैरह गाते हैं वो, ज़्यादा हरियाणवी गाने या और कुछ नहीं जी सर। या तो उनके आवाज़ पे मेरी आंखों में आंसू आए थे, या मैंने गुरुजी को जब पहली बार सुना था जी, तब मेरे को ऐसा लगा था जी हाँ कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ काफ़ी रोया है जी सर। आप कह रहे हो कि पिछले 8 से 10 साल से आप इनके साथ हो, तो आपने इनसे क्या सीखा? आप गाना सीख रहे हो या पहली बात तो ये कि इस लाइन में कोई संपूर्ण नहीं है जी, और ना हम कभी संपूर्ण हो सकते। मेरा तो ये मानना है जी, अभी आज हमारे बीच में एक सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद अजीत जी नहीं रहे, हम तो किसी भी खेत की मूली नहीं है, जी बड़ी बात नहीं। जो कुछ सीख रहे हैं इनके साथ, आशा करते हैं कोर्स करते करते सीख ही जाएंगे, मालिक ने चाहा तो जी। जरूर जरूर, और आपको तो ऐसे गुरु मिले हैं तो जरूर आप बहुत आगे तक जाओगे, बस इनका आशीर्वाद बना रहे हो जी। तो अभी हमारे बीच पहुंच चुके हैं राजू पंजाबी जी, हम उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे राम राम जी। जी राम राम जी। सर आपने एक सॉन्ग गाया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो पूरे ही भारत के अंदर, लगा लीजिए देसी देसी ना बोलिया का छोरी रे, तो उस सॉन्ग को अपने ऊपर लेके गाया या फिर आपने किसी ऊपर लेके गाया? क्योंकि आप एक देसी स्टाइल में रहते हैं, आप यहाँ पे भी आए हैं तो एक बिल्कुल देसी की तरह आए हैं। बिल्कुल गांव से और देसी हो गए। मेरी स्टोरी बहुत गली दुखदायक है, मैं घर क्या की नजर में था ना लायक है, जो कोनिया करे पढ़ाई ला जो खेती में, फोकल पे भी तारी है, देसी देसी ना बोलिया
जी बिल्कुल देसी हो, लेकिन आप आज हरियाणा इंडस्ट्री में या राजस्थान की इंडस्ट्री में देख लीजिए, आपसे बड़ा जो स्टार है, कलाकार है, जो एक लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचा है, वो उससे बड़ा स्टार हमें देखने को नहीं मिलता। फिर भी आपके अंदर इतनी सिंपलिसिटी क्यों है, कैसे है? मैं मतलब मानता ही नहीं हूँ कि मैं कलाकार हूँ जी, मतलब लोगों का प्यार है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। जी प्रजापत आपके लिए है। और आप बताइए कि आप राजू पंजाब जी के साथ टीम के अंदर हैं, तो आप उनके साथ क्या कार्यभार जो संभालते हैं, गाना गाते हैं या फिर उनका कुछ पर्सनल जो कार्य होते हैं वो संभालते हैं? गाना भी गाते हैं, मोबाइल संभालना और मोबाइल का जितना भी हमारा काम है। अच्छा, सारा एक किस्म से आप सेक्रेटरी का काम और जो कहते हैं कि पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनका पूरा काम आप संभालते हैं? संभालना पड़ता है जी। अभी सर आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में आपको गए काफ़ी साल हो गए हैं, हरियाणा में आपने जाके वीआर ब्रोज के नाम से जो कंपनी बनाई है उसके पीछे की कहानी और हरियाणा जाने के पीछे जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल हम लोग दोनों भाई जो हैं कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी, हम हरियाणा के वैसे नहीं हैं। और हरियाणा में सन 2012 के बाद में हम आए थे। पहले हरियाणवी जो गाने थे, कुछ सुपर डुपर गाने थे, मैं आपको गानों से अवगत करा देता हूँ। गाने थे, एक तो 2.5 लीटर दूध गला, 12 टिकट खाओ, उसमें ऐसा जी जी बहुत सुपर हिट गाना था, बहुत सुपर हिट जी जी। और केले जुलच के, पतली कमर लांबी पोरी, विजय वर्मा जी के साथ जी, गाना जी, आया जी, था जी, जी। और एक गाना था सिर पे बंटा टोकनी जी जी, बहुत और पेड़ सुंगती हांड डेंगी यार दोबारा नहीं मिलने जी, ये जो गाने थे हमने राजस्थान में बनाए थे। अच्छा सर। हाँ, जहाँ वहाँ पे हमारे राजस्थान में स्टूडियो था, जब हनुमानगढ़ रावत सर जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे स्टूडियो था, वहाँ पे हमने वो गाने बनाए थे। उसके बाद में हरियाणा के कलाकारों को पता चला कि यार हरियाणवी गाने बना रहा है, बंदा कौन है यार जी, तो कि राजस्थान से बिलोंग करता है बंदा, राजू पंजाबी नाम है जी, ऐसा कुछ है। तो लोग फिर हरियाणा के लोग हमसे संपर्क में आए जी। संपर्क में आने के बाद में और जैसे वो आए तो उन्होंने हमसे गाने वगैरह, तो उन्होंने कहा कि यार भैया आप राजस्थान में बैठे हो, आप हरियाणा में आ जाओ यार, हरियाणवी काम बहुत अच्छा कर रहे हो जी। तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला और हम हिसार की तरफ हम निकल पड़े। हिसार में हमने अभी वीआर ब्रोज के नाम से अपनी कंपनी है जी जी, हमारा स्टूडियो है और राजू भैया के साथ हमारे बड़े भाई साहब जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, विनोद जी चिंपा जी जी, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट हैं। काफ़ी सालों से राजू भैया के साथ उनकी जो दोनों का तालमेल है बहुत अच्छा है। वी आर ब्रोज यानी कि वी विनोद जी और आर राजू जी पंजाब जी। अच्छा, वी आर ब्रोज इनके नाम से ऐसे बना हुआ है। तो सर आप हमारे छोटे से गांव डंगरखेड़ा, तहसील जिला फाजिलका, पंजाब में आए हुए हो। एक छोटा सा गांव है, बेसिकली 4-5 हज़ार जो जनसंख्या हुआ है। यहाँ पे आपके आने की मेन वजह क्या है, किस लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है? देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा गांव है, आपने बोला कि छोटा गांव जी, और मैं फर्स्ट टाइम आऊँ और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है जी, और हम संती का मंदिर है जी, और सभी भक्तों को वहाँ से आशीर्वाद मिलता है माँ का जी, तो मुझे भी मौका मिला है कि माँ का आशीर्वाद लूँ। और आज जो है माँ का 100 साल मनाया जा रहा है जी, उसमें सभी मतलब दूर दराज से भक्त वो माँ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं जी, तो मुझे भी महामाई का हुक्म हुआ है कि मैं भी दर्शन करूँ जी। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा राजस्थान कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो, मैं पहले तो मैं भारत से बिलोंग करता हूँ जी, और भारत के अंदर है राजस्थान और राजस्थान के अंदर है रावतसर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जी, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। और उसके बाद में जैसे जैसे म्यूजिक में सीखता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया जी, माँ सरस्वती ने रास्ता दिखाया, हरियाणा पंजाब सभी से गुजर के अभी हरियाणा में हूँ। और हरियाणवी पंजाबी राजस्थानी सभी भाषाओं में गाता हूँ मैं जी, हिंदी भी गाता हूँ। तो जैसे जैसे सीख रहे हैं कर रहे हैं काम। आपके भाई साहब, छोटे भाई साहब, उनसे हमने बात की, उन्होंने आपके नाम के पीछे जो राजू पंजाबी लगाते हैं उसका कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताया। हाँ, आप पूरे डिटेल में बताइए कि राजू के पीछे पंजाबी कैसे लगा। एक्चुअल में क्या है कि मैं सिस्टर के पास रहा हूँ बचपन से ही जी, और वहाँ जब मैं थोड़ा बहुत, मैंने 5वीं तक वहाँ पढ़ाई की थी पंजाबी में जी, उसके बाद में मैंने पंजाबी गाने शुरू किए, राजस्थान में आ गया और राजस्थान में पंजाबी गाने गाए जी, नाम राजू था और राजू पंजाबी हो गया, गुरुजी ने मतलब स्कूल में रख दिया राजू पंजाबी नाम जी। आपने जो गाना गाना या भजन गाना ये कहीं से सीखे या फिर
अपने जो कहते हैं कि खुद से ही। देखिए म्यूजिक ऐसी चीज़ है वो सीखनी ही पड़ती है, अगर सीखेंगे नहीं कोई भी क्षेत्र ले लो आप, सीखना तो पड़ेगा जी, और सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने बचपन से ही म्यूजिक को दिया, मतलब म्यूजिक इज़ माई लाइफ, संगीत ही मेरा जीवन है जी, और बहुत मज़ा आता है जिसको भगवान संगीत देता है। आपके गुरुजी कौन हैं जिनसे आप सीखते हैं? देखिए जिन जिन से सीखा है वो मेरे सभी गुरुजी हैं, और जहाँ जहाँ से ज्ञान मिलता है वो गुरु ही हैं जी, और कहीं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी से लेता हूँ जी, और बहुत से गुरुजी हैं, मैं नाम बताऊँगा कभी बहुत कम टाइम है ना आज इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, दो सवाल है मेरे मन में वैसे, चलो मैं पूछ लेता हूँ। एक तो आप क्या बताइए, पंजाबी इंडस्ट्री में जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पंजाबी इंडस्ट्री में गाने आए, भजन आए, तो उसके बारे में बताइए, आ रहे हैं नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो कैसे और कब आ रहे हैं? मैंने अभी शुरू किए हैं पंजाबी गाने, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अपना करूं, थोड़ा बहुत मेरा नाम होगा उसके बाद में मैं गाने करूंगा। तो अभी मेरे पंजाबी गाने आ रहे हैं, एक पंजाबी मूवी आ रही है जिसका नाम है साडी मर्जी, उसमें मेरे दो गाने हैं और एक पार्टी सॉन्ग है जी, और एक लव सॉन्ग जी। एक लास्ट सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, आपने शादी कर ली है या अभी तक नहीं? बिल्कुल मैंने शादी कर ली है और मेरे दो बच्चे हैं, दो गुड़िया हैं जी। और अंत में जो आपको देख रहे हैं हमारे श्रोतागण, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपको देख के गाना गाना सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी? मेरी तरफ से यही संदेश है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें जी, अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें जी, नशे से बिल्कुल दूर रहें जी, देश से प्रेम करें जी, और माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे।